बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गांव समाज कितना भी हो जाए ना बने नहीं विद्या बिन काम कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिन काम कहता है भाई गंगाराम गंगापुर का गंगाराम पुंजानी साहब अभी आप जो फिल्म बना रहे हैं उसमें गंगाराम के लिए कोई रोल निकालिए ना छोटा मोटा रोल हो तो मेरे लिए भी अभी तो एकदम शुरुआत है हमको शुरू ही से रख लीजिए ना हम अपनी एक्टिंग से आपको एकदम खुश कर देंगे तुम थोड़ा सा फाइनेंस का बंदोबस्त कर दो तब का फिल्म में काम करने के लिए पैसा भी दिया जाता है अरे नहीं दोस्त ये टटपुंजा प्रोड्यूसर था हम भी हीरो बनने आए थे 10 साल हो गया हमें तीसरे दर्जे में ही लटक रहे हैं अरे हम तो कितने लोगों को एक्टिंग सिखा दिए कहीं तो आपको भी सिखा दे और उधर भर्ती होने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है अपन साला ठहरे अंगूठा चाप तो आप नौटंकी के बादशाह हैं इसीलिए फिल्मों में हीरो बनने आए हैं एक तो उसे पढ़ाई करनी ही करनी है और अगर जरा भी लापरवाही की तो उसे भी सजा मिलेगी बोलो मंजूर है मंजूर सब कुछ मंजूर जो आप कहेंगे सब मंजूर है दीदी गंगाराम क्या इस उम्र में पढ़ाई शुरू कर सकते हैं कालिदास ने भी बड़ी उम्र में पढ़ाई शुरू की थी और महाकवि कालिदास बन गए थे अरे तब तुम तैयार हैं समंदर का लहर बहुत बड़का बड़का था भाई नहाने गए थे का नहीं नहीं दूर से देख रहे थे अरे तो साबुन नहीं था नहीं तो हम कपड़े उतार लिए तो फौरन घुस जाते समंदर देखो गंगाराम समंदर देखने की चीज है नहाने की नहीं है करूंगा आगे अब आगे का लिखवाए यहाँ पहुंचने का समाचार देना था दे दिए काहे किसी गुरुजी कहे थे कि वहां पहुंचती चिट्ठी लिखना तो अब लिख दें सब ठीक ठाक है आपका गंगाराम नहीं ये ना लिखो ये लिखो कि अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा है आगे आगे जैसा जैसा जो होता रहेगा हम खबर करते रहेंगे अरे झूठ क्यों बोलते हो दोस्त हमारे बाबूजी तुम्हारे वापस जाने के टिकट कटवा रहे हैं और तुम कहे तो सब ठीक है लिख दूं क्या अरे नहीं ये ना लिखना भाई ये लिख दोगे तो गुरुजी यहां धमकेंगे फिर 1 से 2 हो जाएंगे फिर तुम्हारे बाबूजी क्या करेंगे सही बात है आपका गंगाराम हाँ ये हो गया अब कल पोस्ट कर देंगे हाँ ये हो गया अब एक ठाव लिखो अब किसको अब माई को अच्छा हाँ ठीक हाँ बोलो लिखो कि माई को गंगाराम का चरण छूना पहुँचे माई को गंगाराम का चरण गंगाराम का चरण छूना पहुँचे चरण छूना पहुँचे हाँ हम यहाँ पर दुलारी भौजी के यहाँ ठीक ठाक से हैं ठीक ठाक से हैं हाँ। और 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 हम लोग हमारा सब लोग यहाँ खूब मदद कर रहा है हमारा सब खूब मदद कर रहे हैं हाँ, खास तौर पर राममिलन भैया तो बहुत ही ज्यादा हमारा ख्याल रखते हैं और मदद करते हैं हाँ, ऐसे लिख दो हाँ, आगे कल सोच के लिखवाएंगे एक झूठ के लिए क्या सोचना है जैसे गुरुजी खत में लिखे थे वैसे यहाँ भी लिख देंगे नहीं यहाँ नहीं लिख सकते क्यों हम माई से कभी झूठ नहीं बोलते अरे हमने दाढ़ी बनाए सामान कहाँ गया हो हैं? अरे जहाँ रखते थे वहीं हमारा सामान मिल जाता था हैं? पर आज कहाँ चला गया कहाँ हुआ जी हैं? अरे हमने दाढ़ी बनाए के सामान आजकल प्यारे दाढ़ी बनाना शुरू तो नहीं कर दिया ना नहीं हमारा सामान नहीं मिल रहा है दाढ़ी बनाने के इसलिए पूछ रहे हैं अब प्यारे को दाढ़ी मुछ है जो बनाएगा अब जहाँ रखे थे वही ना होगा खोजिए ठीक से अरे खोज लिए अंधेरा नहीं है कि सुझबे नहीं करेगा अरे सामान घर से गायब हो जाता है और किसी को पता नहीं चलता अब कौन रोज दाढ़ी बनाना जरूरी है कि आज भी बनानी पड़ेगी है? हम खोज के दे देंगे कल बनाइएगा बाहरे हमारी घर वाली है जानती नहीं है कि आज सोमवार है और सोमवार के सोमवार हम दाढ़ी बनाते हैं है? जल्दी से दाढ़ी बना के हम काम पे जाएंगे लेकिन गया कहाँ कहीं गंगाराम गंगाराम मुखड़ा का देखे दर्पण
अरे तेरे दया धर्म नहीं मन। गंगाराम, ए गंगाराम, ये का हो रहा है? का हो रहा है? गाना गा रहे हैं मुखड़ा। गाना गा रहे हो कि दाढ़ी बना रहे हो? दाढ़ी बना रहे हैं। हमारे ही सामान से बिना पूछे उठा लिए, वहाँ हम खोज खोज के परेशान हो गए। अरे दाढ़ी बनाए कितना ही शौक है, तो अपना सामान काहे नहीं खरीद लेते हो? अरे तो गुस्सा काहे करते हैं, आसपास कोई हजाम नहीं मिला? गांव में तो हम हजाम से ही बनवाते थे दाढ़ी। तो अपना सामान खरीदो। अरे तो खरीद लेंगे, फिल्म में काम तो मिलने दीजिए। ला ब्रूस दो, बाबा मरेगा तो बैल बिकेगा। अरे तो पहले करने दीजिए खत्म, उसके बाद। अरे हमको काम पे जाना है, देरी हो जाएगी। हा? तो ऐसा करिए ना कि देरी हो जाएगी। लीजिए, पहले आप ही शुरू कर लीजिए। लीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं कर लीजिए, तुम कर लो। हमारा सोमार खराब कर दिए। सोमवार कौन खास दिन है का? अरे हमारे लिए खास दिन है, सोमवार के सोमवार ही दाढ़ी बनाते हैं। है? हमरा अंगोछा कहाँ गया? ये घर में कोनो भूत है का कि एक चीज खोजो दूसरा गायब हो जाता है? अब कहाँ हुआ जी? अरे हमरा अंगोछा नहीं मिल रहा है। जब से ये फिल्म वाला यहाँ आया है ना, तब से कोनो भूत का खेला चल रहा है हमरे घर में। और ये भूत का नहीं, आपके गुस्सा का खेला है। हमरे नैयर का आदमी आपको फूटी आंख नहीं भाता, सो हम जानते हैं जी। अरे हद हो। अरे हमरे अंगोछा के बीच में तुम्हारे नैयर कहाँ से घुस गए? अरे हमको नहाने जाना है तो अंगोछा नहीं खोजेंगे का? तापाई के कंधे पर न रखे थे, अपनी लापरवाही का दोष दूसरा का माथा पर। ठहरो, हम खोजते हैं। अब यहाँ नहीं है जी, शायद गंगा भैया लेके नहाने चले गए हैं। का? हमरे अंगोछा लेके वो नहाने चला गया? अब हमरे घर में हमरी ये दुर्दशा, अब तो काम में जाने में और देरी हो जाएगी। तो हम मांग लाते हैं अंगूछा। अरे चुप कर, अब कहाँ है? अकिल नहीं है का? एक जवान आदमी नहा रहा है और तू अंगोछा मांगने जाएगी? है? जा अपना काम कर, जा। गंगा भैया को कुछ ना कहिएगा। कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ उसका सामान उठाए के बाहर फेंक देंगे और कहेंगे कि जाओ दूसरा बंदोबस्त कर लो। गुस्सा में आपकी अक्कल मारी जाती है जी। गंगा भैया कहीं नहीं जाएगा। अभी गांव में चिट्ठी भेजी है कि राजी खुशी पहुंच गए हैं, और अभी घर से निकाल देंगे तो गांव में आपकी नाक कटेगी, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। यही तो मुश्किल है, हम मुंबई में है और हमारी नाक गाँव में। देखते हैं ससुर के नाती को। मन फूला फूला फिर जगत में कहीं कैसा नाता। गंगाराम, ए गंगाराम, कहाँ है? अरे गाना बंद करो, बात सुनो। कहाँ है? अरे हमारा अंगूछा कहाँ है रे? अंगूछा यूं तो हम लपेटे हुए हैं, ये देखिए। अरे ससुर के नाती अंगूछा नहीं लपेटे हो, हमारी जिंदगी लपेट ली है। जिंदगी कैसे लपेटेंगे? जो लपेटने का चीज है वो न लपेटेंगे? कैसा नाता रे। वाह, एकदम जैसे गांव में बैठकर खा रहे हैं, एकदम वही स्वादमान माफिक। तरकारी एकदम लाजवाब। कह राम मिलन भैया, भाऊजी के हाथ के बनाए खाने का जवाब ही नहीं है, बहुत बढ़िया बनाए। देखो लो और तरकारी लो, तुमको बहुत पसंद पड़ी ना? अरे हमको जब भौजी पसंद पड़ गई है तो भौजी कहा के सब कुछ पसंद है। लीजिए आप भी। बस बस बस, पेट भर गया। प्रभात लो जी। कह दिया ना ना थोड़ा, 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 थोड़ा। अरे हमारा पेट पेट है, गंगा राम की तरह नाद नहीं है। उधर ही भरो, भरो उधर ही। एकदम ठीक बोले राम मिलन भैया, सहरी पेट कठौती और गवाई पेट नाद। तब ठीक है, अभी तो शुरुआत है। ला दे भौजी, दे। अरे प्यारे, गंगा राम को बंबई घुमा ला, नहीं तो गांव जाके कहेगा कि बंबई भी नहीं घुमाए। बंबई घुमाने वाली बात तो ठीक है, पर गांव वापस जाने वाली बात कहां से आ गई जी? अरे माँ, वो जब जाएंगे तब की बात है। बाबूजी, घुमाने वास्ते पैसे कल ही दिया ना? वो तो कल ही खत्म हो गया। अरे छोड़ो ना प्यारे, घूमना फिरना कोनो जरूरी है का? काहे ना रामिलन भैया, आज घर में बैठ के भौजी से बतियाएंगे। नहीं, कोनो जरूरत नहीं है। इला पैसा लेके जाओ इसको। इला ठीक है, चले जाएंगे। अब आप भी काम पर जाइए, देरी नहीं हो रही का?
हाँ जा रहे हैं। फुलवा भैया है क्या घर में? आए रहे हैं। अरे आवा आवा राम आवा राम मिलन। देखो आजकल हमारा रोज एक्सटेंशन चल रहा है इसलिए तोरे घर नहीं आ पाए, तुमको यहीं बुला लिया, बुरा मत मानियो। अरे क्या बात है बताओ फुलवा भैया। अरे बात है तभी तो बुलाए है ना, हमारे प्रोड्यूसर साहब के बंगले पर फर्नीचर का काम निकला है, हम तोरा नाम दे दिए और कह दिए है कि एक नंबर का कारीगर है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, कितने दिन का काम है? ये सब तुम उनसे बात कर लेना। हाँ हम कह दिए हैं कि हमारे गांव का बहुत बढ़िया कारीगर है, अब तुम हमारे साथ चलो, रास्ते में हम तुमको उनका घर दिखाई देंगे, फिर अपनी शूटिंग पे चले जाएंगे। ठीक है फुलवा। ए भगवान हम जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर लेना। चलो चलो चलो। उठो। हाँ तो आज क्या काम करेंगे? करे या ना करे लेकिन शाम को पैसे का हिसाब तुम्ही को देना पड़ेगा, सोच लो। अरे तू समझा नहीं यार, वो पैसे वैसे की बात नहीं है, फिल्म वाले काम के लिए कहीं चलना होगा कि नहीं? सो तो है, जब वो नहीं है तो घूमने चलते हैं, बाबूजी की बात भी रह जाएगी। ठीक है चलो। आओ मुन्ना भाई आओ। क्या बात है, कोनो खास मीटिंग है का आज? है ना, खास मीटिंग के वास्ते तो जा रहे हैं। कहाँ? एक रनिंग रोल के लिए बुलाया है। कौन बुलाया मुन्ना भाई? सुभाष घई। आज सुबह ही उसका मैसेज आया था। बाप रे सुभाष घई, काहे को बाप रे बोलता है? ऐसे प्रोड्यूसर का डेली मैसेज आता है अपन के पास। लेकिन काम नहीं मिलता, आज हमारे हाथ के पान खा के जाओ, देखो काम जरूर मिलेगा। थैंक यू चौरसिया भाई, तुम ही तो एक हो जो एक आर्टिस्ट की कदर समझते हो। अब सुभाष भाई को मुन्ना भाई जैसा आर्टिस्ट किधर मिलेगा? आए क्यों हीरो भाई, तुम इधर ही बैठ के पान खाने का, तुम्हारे वास्ते वही ठीक रहेगा। क्यों मुन्ना भाई? अरे कैसा अनाड़ी के माफिक लल्लू बन के बैठा है देख, अरे ऐसे गेटअप में कभी फिल्म मिलती है क्या? अरे मुन्ना भाई की तरह स्मार्ट बन स्मार्ट, तब चेहरे पे चमक आएगी। हीरो जी रंग रोगन वाला कपड़ा पहनने से चेहरे पर चमक नहीं आता, झूठ कभी छुपता नहीं है, और ये समझ लीजिए सच बोलने वाले के चेहरे पर वैसे ही चमक आ जाता है, और अंत में जीत सच्चाई का ही होता है। ये कुछ ऊंची चीज बोल गया, अपुन के ऊपर से गुजर गया, अपुन जाता है। बहुत सटीक जवाब दिए मुन्ना भाई को। अरे एक नंबर का बंडलबाज है, रोज किसी न किसी प्रोड्यूसर का नाम लेकर पान उधार खा के जाता है और खाली हाथ लौटता है, यही 10 सालों से सुन रहा हूँ इसका। तो आज नगद और कल उधार का वोट का ही नहीं लगा देते, उधार देकर धंधा चौपट करवाएंगे क्या? अरे कहता तो है भाई कि फिल्म में काम मिल जाएगा तो पिछले 10 सालों का उधार एक ही साथ में चुकता कर दूंगा। अरे भूल जाओ, ना ही उसको फिल्म मिलने वाला है ना ही तुम्हारा उधार चुकता होगा। अब क्या करें, गाँव घर का आदमी है, ना भी तो नहीं करते बनता है, अब देगा देगा, नहीं देगा तो सोचूंगा मंदिर में हमने दान कर दिया। अरे भाई दो पान लगाना और एक सिगरेट। हाँ भैया। और प्यारे कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? फर्स्ट क्लास। और क्या बोलता है, तेरे इस गांव वाले का फिल्म कब से शुरू हो रहा है? फिल्म? हाँ कौन सी फिल्म? अरे तूने ही तो कहा था कि सुभाष घई ने इसको अपनी फिल्म में काम करने के लिए बुलाया। याद आया, अभी शुरू होने वाला है। गंगा भाई अपन को भूलना नहीं का, और शूटिंग पर जरूर बुलाना। और तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? ऐसे जरा घूमने फिरने निकले थे। लो भैया पान और ये लो सिगरेट, पैसा दे दो। अरे घूमना ये तो उधर जाओ, मंदिर में किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, सुभाष घई वाली फिल्म का रेफरेंस देके काम की बात करवा लो, समझे? अच्छा मैं चलता हूँ। ये सुभाष घई वाली बात तो पीछे पड़ गई, तो झूठ बोलने का जरूरत पड़ गया था। ठीक है अब नहीं बोलेंगे। अच्छा कान पकड़ने जरूरत नहीं है, वो बोल गया था शूटिंग देखना, चल शूटिंग देखते हैं। चलो एक्शन। हे माता तेरी लीला महान है, आज मैं तुझसे अपनी मनोकामना पूरी होने की भीख मांगने आया हूँ, जीवन में सारी इच्छाओं की बलि चढ़ाकर। काट काट काट, डायलॉग्स में जरा फीलिंग्स लाओ, ठंडा ठंडा सा लग रहा है। कम ऑन वंस मोर, स्टार्ट कैमरा एक्शन। हे माता तेरी लीला महान है, आज मैं तुझसे अपनी मनोकामना पूरी होने की भीख मांगने आया हूँ, जीवन में सारी इच्छाओं की बलि चढ़ाकर आज मैं तेरे द्वार आया हूँ माता, मेरी इच्छा पूरी कर दे। कट, चलो ठीक है एक और लेते हैं। स्टार्ट साउंड कैमरा 2x3 टेक 1 एक्शन। हे माता तेरी लीला महान है, आज मैं तुझसे अपनी मनोकामना पूरी होने की भीख मांगने आया हूँ, जीवन में सारी इच्छाओं की बलि चढ़ाकर आज मैं तेरे द्वार आया हूँ माता, मेरी इच्छा पूरी कर दे। कट। हे माता तेरी लीला महान है, आज मैं तुझसे अपनी मनोकामना पूरी होने की भीख मांगने आया हूँ, मैं रामलीला भैया को बता देना चाहता हूँ कि मैं कुछ करके ही दम लूंगा,
इसलिए जल्दी से मुझे फिल्मों में काम दिलवा दो माता, नहीं तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। क्या हुआ? कहाँ खो गए दोस्त? अब डायरेक्टर खाली बैठा है, ये मौका अच्छा है जाके उससे अपने काम की बात करने का। चलो। कार में ट्रैवलिंग का एक शॉट बाकी है। ओके। डायरेक्टर साहब। क्या है? ये गंगाराम है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, अगर आपके फिल्म में कोई अच्छा रोल हो तो इनको। अभी कोई हमारे फिल्म में रोल नहीं है, अगर छोटा मोटा रोल निकला तो मेरे असिस्टेंट से मिल लेना। तुम लोग इधर आओ, सर को डिस्टर्ब मत करो। तो तुम एक्टर हो? तुम्हारा नाम क्या है? गंगाराम। इंटरेस्टिंग, कभी फिल्मों में काम किया? नहीं, फिल्म में तो नहीं किया, लेकिन गांव में नौटंकी में बहुत किए। हम नौटंकी के बादशाह रहे हैं अपने गांव में। तभी पूरा नौटंकी दिख रहे हो। ना अच्छी पर्सनैलिटी है, ना अच्छा चेहरा है, ना अच्छी आवाज, ना शुद्ध भाषा, तुम्हारे अंदर अभी बहुत कमी है। जाकर किसी एक्टिंग स्कूल में नाम लिखवा लो, एक्टिंग सीख लो, फिर आना काम मांगने। कहा है एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग नहीं सीखेंगे तो एक्टिंग नहीं आएगा क्या? ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग बॉर्न एक्टर होते हैं और कुछ बनाए जाते हैं। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बनाने की जरूरत है। कब? लेकिन सुझाव के लिए धन्यवाद। मेरा भी एक सुझाव है। क्या? आप में भी एक कमी है, आपको अच्छा एक्टर की पहचान नहीं है। चलो दोस्त। साला ये असिस्टेंट चला था अपने को मामा बनाने। नहीं दोस्त, हो सकता है वो सच कह रहा हो। कल मुन्ना भाई भी यही कह रहे थे कि इंसान को अक्सर अपनी कमजोरी नजर नहीं आती। एक काम करते ना, चलकर कोई एक्टिंग स्कूल में बात करते हैं। ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है तो चलते हैं, ये शंका भी दूर कर लेते हैं। लेकिन दोस्त मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें एक्टिंग सीखने की जरूरत है। ये देखो, शैतान का नाम लिया और चले आ रहे हैं। अरे भैया, तब से तुम लोग यही खड़े हो। वो कहा है कि वहाँ मंदिर में शूटिंग चल रहा था, वो देखने गए थे हम। अपुन भी वहीं से आ रहे हैं। एक पान देना। वो क्या है? उस फिल्म का डायरेक्टर अपुन का दोस्त है, मिलने के वास्ते बुलाया था। आज आप सुभाष घई से मिलने वाले थे, उसका क्या हुआ? अपुन वहीं से आ रहा है, उसकी अगली फिल्म में मेरी सेटिंग पक्की। मुन्ना भाई क्या बात है, आप बहुत मीटिंग करते हैं। अरे भैया, मीटिंग, सिटिंग, सेटिंग और फिर शूटिंग। मीटिंग नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी अच्छा एक्टिंग स्कूल का पता बता सकते हैं? अपुन तो तुमको पहले ही बोला था, लेकिन तुम एक्टिंग स्कूल के बारे में काहे को पूछ रहा है? वो कहा है कि हमको एक असिस्टेंट डायरेक्टर मिला था, उसने कहा कि पहले किसी एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखिए, उसके बाद काम मिलेगा। बिल्कुल ठीक बोल रहा था, अभी तुम्हारे अंदर बहुत कमी है। तुम किसी देवानंद स्टाइल एक्टिंग स्कूल में जाओ और वहाँ एक्टिंग सीखो, वहाँ से लड़के निकलते ही देवानंद बन जाते हैं। पंडित जी पान खिलाओ। लो भैया खाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या तुमने फोन किया था? जी। बैठो, बोलो क्या बात है? सर आपके एक्टिंग स्कूल में भर्ती होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? हमारा फॉर्म भरना पड़ता है और 4 महीने के इस कोर्स की फी है सिर्फ 20,000 रुपए। और हाँ, कैंडिडेट कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। तो बोलो किसे ज्वाइन करना है? वो कहा है कि हमको भर्ती होना है। तुम्हें? हाँ। खैर ये फॉर्म लेके जाओ और 20,000 रुपए लेके आओ। नहीं, वो कहा है कि क्या बात है, हम पढ़े लिखे नहीं है। क्या तुम अनपढ़ हो? अच्छा अच्छा, 20,000 है? नहीं, वो भी नहीं है। तो फिर भागो यहाँ से, न विद्या न धन, चले आए एक्टर बनने। कहा सोच रहे हो दोस्त? प्यारे एक बात बताओ, अगर हम पढ़ना लिखना चाहें तो नहीं सीख सकते का? अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो क्यों नहीं? अरे तुम खूब मेहनत करेंगे ना, और पढ़ लिख कर जब हम गाँव जाएंगे तब कुंतिया तो देख कर खुश हो जाएगी। और रही एक्टिंग सीखने की बात, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। काहे? अरे तुम तो नौटंकी का बादशाह हो, पैदाइशी एक्टर है। मुन्ना भाई जैसे। साहबान, मेहरबान, कदरदान, इतर दान, फूक दान, पीक दान, जीना दमान। अबे क्या बोल रहा है? कुछ झटक के, कुछ मटक के, कुछ मटक के, आप सबको पटक के। अबे क्या क्या बोल रहे हैं, अगले नाटक में रोल भी नहीं मिलेगा। क्या कह रही है? हाँ।
आइए 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 साहिबान कदरदान नमस्कार सत श्री अकाल वड़कम अस्सलाम वालेकुम। आइए और देखिए कुछ अनोखे रंग जिंदगी के अनचाहे ढंग सच्चाइयों को समझाता हमारा ये नाटक करो पढ़ाई जीतो लड़ाई। सुनिए सुनाते हैं आपको एक किस्सा जो है आपकी जिंदगी का हिस्सा। एक था नापड़ और एक था हापड़। अब देखिए नापड़ का हुआ क्या हाल और हापड़ ने किया क्या कमाल। तो भैया नापड़ हाँ? ये रहे लाला जी। राम राम लाला जी। लाला जी राम 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 राम। बेटी की शादी के वास्ते रुपया उधार चाहिए। ये तो नेक काम है भाया। तो, तो है पैसे तो मैं दूंगा मगर ब्याज भी लूंगा। वो तो मैं भी दूंगा। भला बिना ब्याज के कहीं रुपया मिलता है ना कहीं काम होता है ना लाला जी। ठीक है भाया हाँ? दस्तखत कर दियो कागज पे और रुपया ले जाइयो। सो तो भली कही जहाँ कहो अंगूठा लगवा लो। मैं अनपढ़ आदमी दस्तखत करने को ना कहो। ठीक है ठीक है भाया। रुपया कितना चाहिए? 25,000-20,000 रुपया चले। तो ठीक है तुम अभी जाओ भाया कागज तैयार कराऊं फिर तेरा काम बनाऊं। तो फिर मैं जाऊं और अभी लौट के आऊं। अनपढ़ गंवार है बढ़ा के लिख दिया। कितना लिख दूं? 50 लिख दो। 50 और ब्याज? ब्याज है कुछ भी बढ़ा के लिख दो। 7 लिख दूं? चलेगा। हाँ भाई नापड़ आ गए भैया आ गए। ला अंगूठा ला। यहाँ। अरे हाँ तो ही ले लो बेटा भैया। और यहाँ हाँ ये तेरा पैसा और ये तो और रसीद। चल रसीद दिया ना। हाँ चल। जयराम जी की। आइए तो लाला के घर से निकला नापड़ और रास्ते में उसको मिल गया हापड़। अरे नापड़ भैया कैसे हो? आशीर्वाद है। और बाल बच्चे कैसे हैं? बेटी की शादी कर रहे हैं। हाँ न्योता मिला ना? अरे नहीं कब? अरे 26 जनवरी को पूरा देश खुशी मनाएगा हमारी बेटी की शादी के। ये हाथ में क्या है भैया? कागज है भैया लाला जी ने दिया है। रुपया ने लिया है? तो पैसा कितना लिया नापड़ भैया? 20,000 भैया। 20? हाँ लेकिन इसमें तो लिखा है 50,000। अच्छा ब्याज की दर? 50 3 रुपया। इसमें लिखा है 7 रुपए सैकड़ा। हम तो लुट गए भैया। क्या लिख दिया लाला? वाह कहा कुछ तो लिखा कुछ फिर भी नापड़ ने दिया अंगूठा छाप। ऐसा क्यों हुआ बता सकते हैं? अरे भाई अनपढ़ आदमी कागज में क्या लिखा है वो कैसे पढ़ेगा? वो तो भरोसे में लुट गया। इसीलिए तो कहता हूँ कि मत बनो नापड़। पढ़ो 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 और बनो हापड़। तो बोलो हापड़। और अब आप लोगों में से कौन आगे आएगा और हमारे साथ शामिल होकर इस बात को आगे बढ़ाएगा? हाँ कौन आएगा? तो भैया अब ये बनेंगे नापड़ और आप सबको दिखाएंगे नापड़ की जिंदगी का एक और हादसा। तो ठीक है भाई साहब एक दिन की बात परदेश में रहने वाले भाई का खत आया नापड़ के नाम और इसीलिए उसे पड़ गया हापड़ से काम। लेकिन गांव में एक भी हापड़ ना मिला। इसलिए खत लेकर नापड़ बेचारा बेचैन बेसबर जानने को भाई की खबर भटकता रहा भटकता रहा भटकता रहा भटकता रहा।
वाह गंगा जी, तुम सचमुच बहुत अच्छे एक्टर हो। आज नुक्कड़ नाटक में तुम्हारी एक्टिंग देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम फिल्मों में जरूर नाम रोशन करोगे। और दोस्त, मेरा विश्वास डबल हो गया तुम पर। आज से मैं तुम्हारे काम के लिए डबल मेहनत करूंगा, इसमें हमारा भी तो फायदा है। हद तेरे की, तू तो पूरा बम्बैया हो गया रे, अपना फायदा पहले सोचेगा। इसी तरह हंसते रहना दोस्त, निराश मत होना। आज तुम पार्क में मुंह लटका के बैठे थे ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों, क्या बात हो गई थी? कुछ नहीं साधना दीदी, वो एक्टिंग स्कूल वालों ने इन्हें अनपढ़ कहकर एडमिशन देने से इनकार कर दिया और ये हो गए दुखी। इस तरह मायूस नहीं होते गंगा जी, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो। आप कहती हैं तो ठीक ही होगा। का तिवारी आ रहा का? कौन तिवारी जी? टिकटवा बनाने का काम करता है, रिजर्वेशन के लिए बोले थे। किसका रिजर्वेशन? गंगाराम का। और किसका? काहे? गंगाराम बंबई घूम लिया ना, अब गांव वापस चला जाए, वही मुखरी भलाई है। अरे क्या हुआ? जब से गंगा भैया आए हैं बस पीछे ही पड़े हैं। गांव वापस जाओ, गांव वापस जाओ। अभी कौन सी खातिरदारी हुई? ओहो, बात को समझती नहीं है और बड़बड़ बड़बड़ करती चली जाती है। सुनो, हमारे पीछे वो तिवारी जी आए तो टिकट लेकर रख लेना, और कुछ खाने का हो तो दो। एक बात जान लीजिए जी, गंगा भैया जब जाएंगे तब जाएंगे, आपकी मर्जी से नहीं। हाँ। ई हमरी मेहरारू गंगा राम को यहाँ से जाने नहीं देगी, और हम उसको यहाँ ठहरने नहीं देंगे। ऐसे कौन से अचूक उपाय है कि गंगा राम यहाँ से चला जाए? पूछना पड़ेगा किसी से। गंगापुर का गंगाराम, गंगापुर का गंगाराम। ए एक नंबरी कलाकार है, नामी है नौटंकी बाज। बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गांव समाज। कितना भी हो जाए नाम, बने नहीं विद्या बिन काम। कितना भी हो जाए नाम, बने नहीं विद्या बिन काम। कहता है भाई गंगा